इस वीडियो के अंदर हम डिस्कस करेंगे बेस्ट फ्रंट लोडिंग वॉशिंग मशीन्स के बारे में और साथ ही साथ ये भी जानेंगे कि फ्रंट लोडिंग वॉशिंग मशीन्स टॉप लोडिंग वॉशिंग मशीन्स के कंपैरिजन में कैसे बेटर होती हैं। और उसके बाद में हम इस वीडियो के अंदर ये भी डिस्कस करेंगे कि फ्रंट लोडिंग वॉशिंग मशीन्स को परचेज करते वक्त कौन कौन से ऐसे पॉइंट्स हैं जो कि आपको पता होने बहुत ज़रूरी हैं। इन सभी बातों को डिस्कस करने के बाद मैं यहाँ पर आपको बताऊँगा टॉप 5 बेस्ट फ्रंट लोडिंग वॉशिंग मशीन। जो भी वॉशिंग मशीन्स हम इस वीडियो के अंदर डिस्कस करेंगे उन सभी के डायरेक्ट लिंक्स आपको डिस्क्रिप्शन के अंदर दिए गए हैं, आप उनको जरूर चेक कर सकते हैं। और इन सभी वॉशिंग मशीन्स के फीचर्स के साथ साथ में हम इनके कॉन्स को भी डिस्कस करेंगे जिससे कि आप एक बेटर बाइंग डिसीजन ले पाएं। मगर उससे पहले अगर आप बिफोर परचेजिंग पर पहली बार आए हैं तो आपने सब्सक्राइब करना है, साथ ही साथ बेल आइकन को जरूर प्रेस करना है जिससे कि आप कोई भी नोटिफिकेशन को मिस ना करें। एक फ्रंट लोडिंग वॉशिंग मशीन के 3 सबसे ज्यादा बड़े बेनिफिट होते हैं। पहली बात की फ्रंट लोडिंग वॉशिंग मशीन जो होती है वो टॉप लोडिंग वॉशिंग मशीन के कंपैरिजन में एनर्जी एफिशिएंट होती हैं। एक फ्रंट लोडिंग वॉशिंग मशीन ऑलमोस्ट 50% इलेक्ट्रिसिटी कम कंज्यूम करती है एज कंपेयर टू टॉप लोडिंग वॉशिंग मशीन। फ्रंट लोडिंग वॉशिंग मशीन का सेकंड बेनिफिट आपको ये मिलता है कि वो अप्रॉक्सीमेटली 40% कम वाटर कंज्यूम करती है कंपेयर टू टॉप लोडिंग वॉशिंग मशीन। और लास्टली फ्रंट लोडिंग वॉशिंग मशीन टॉप लोडिंग वॉशिंग मशीन के कंपेरिजन में कम नॉइस प्रोड्यूस करती है। एक फ्रंट लोडिंग वॉशिंग मशीन आपके कपड़ों को बहुत जेंटली क्लीन तो करती है, लेकिन अगर हम इन दोनों वॉशिंग मशीन को प्राइस पॉइंट के हिसाब से कंपेयर करें तो फ्रंट लोडिंग वॉशिंग मशीन टॉप लोडिंग वॉशिंग मशीन के कंपेरिजन में थोड़ी सी एक्सपेंसिव होती है। अब हम यहाँ पे डिस्कस करते हैं 5 ऐसे पॉइंट्स के बारे में जो कि आपको पता होने बहुत जरूरी हैं किसी भी फ्रंट लोडिंग वॉशिंग मशीन को परचेज करने से पहले। वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट फैक्टर यहाँ पर आते हैं आपकी फैमिली साइज कितना है, क्योंकि उसके बेसिस पर ही डिसाइड होगा कि आपको कितने केजी की वॉशिंग मशीन परचेज करनी चाहिए। अगर आपकी फैमिली के अंदर 2 से 3 लोग हैं तो आपको 6 kg से लेकर 7 kg तक की वॉशिंग मशीन परचेज करनी चाहिए। और अगर आपकी फैमिली के अंदर अराउंड 5 मेंबर्स हैं तो आप 7 से 8 kg की वॉशिंग मशीन परचेज कर सकते हैं। और अगर इससे ज्यादा है तो आप 9 या फिर 10 kg की वॉशिंग मशीन भी परचेज कर सकते हैं। इन सभी डिफरेंट कैपेसिटीज वाली वॉशिंग मशीन्स के भी लिंक्स आपको डिस्क्रिप्शन के अंदर दिए गए हैं। एक फ्रंट लोडिंग वॉशिंग मशीन का सेकंड इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट होता है उसकी स्पिनिंग स्पीड। इस वीडियो के अंदर सिर्फ वही वॉशिंग मशीन्स इंक्लूड की गई हैं जिनकी स्पिनिंग स्पीड अराउंड 1400 RPM की है। नंबर 3rd इंपॉर्टेंट फैक्टर यहाँ पर आता है आपकी वॉशिंग मशीन का ड्रम मटेरियल। वीडियो के अंदर हम आगे जो भी वॉशिंग मशीन्स को डिस्कस करेंगे उनके अंदर सिर्फ स्टेनलेस स्टील मटेरियल वाला ड्रम इंक्लूड किया गया है। नंबर 4th इंपॉर्टेंट फैक्टर यहाँ पर आता है आपके वॉशिंग मशीन्स के नॉइस लेवल्स। चाहे आपकी वॉशिंग मशीन टॉप लोडिंग हो या फिर फ्रंट लोडिंग, आपको उसके नॉइस लेवल्स को जरूर चेक करना चाहिए। और 2 टाइप के नॉइस लेवल्स आपको किसी भी वॉशिंग मशीन के अंदर देखने के लिए मिलते हैं, नॉइस लेवल वाइल वॉशिंग और नॉइस लेवल वाइल स्पिनिंग। आपको दोनों को चेक करना चाहिए। और इन सभी फैक्टर्स को कंसिडर करने के बाद हमारा लास्ट और वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट फैक्टर यहाँ पर आता है आपकी वॉशिंग मशीन की वारंटी और उसकी आफ्टर सेल सर्विस। और लास्टली अगर आपके एरिया के अंदर हार्ड वाटर की प्रॉब्लम है तो आप अपने इनलेट पाइप के अंदर एक वाटर सॉफ्टनर को इंस्टॉल करा सकते हैं। बेस्ट वाटर सॉफ्टनर्स के भी लिंक्स आपको डिस्क्रिप्शन के अंदर दिए गए हैं। आपको डी स्केलिंग भी जरूर करनी चाहिए। डी स्केलिंग की हेल्प से आपके वॉशिंग मशीन के ड्रम के अंदर और आपके इंटरनल हीटिंग एलिमेंट के अंदर जो भी लाइम स्केल जमा होगा वो इजिली रिमूव हो जाएगा। नंबर 5th पर मैंने यहाँ पर रखा है सैमसंग की तरफ से आने वाली 8 kg की फ्रंट लोडिंग वॉशिंग मशीन को। सैमसंग की ये वॉशिंग मशीन 1400 RPM की मोटर के साथ में आती है और इसके अंदर स्पेशल बात यह है कि यहाँ पर आपको AI कंट्रोल मिलता है। सैमसंग की ऐप को इंस्टॉल करने के बाद जब आप इस मशीन को उस ऐप के ऊपर रजिस्टर करेंगे तो सबसे ज्यादा यूज किए जाने वाले वॉशिंग प्रोग्राम्स को ये ऐप आपको ऑटोमेटिकली रिकमेंड करेगी और ऑटोमेटिकली आपके वॉशिंग मशीन की स्पिनिंग स्पीड को भी डिसाइड करेगी। सैमसंग की इस वॉशिंग मशीन के अंदर आपको स्टेनलेस स्टील डायमंड ड्रम देखने के लिए मिलता है और साथ ही साथ इसके अंदर आपको 22 वॉश प्रोग्राम्स दिए गए हैं। 22 वॉश प्रोग्राम्स हर किसी के लिए यूजफुल नहीं होते हैं, हम ज्यादा से ज्यादा 4-5 वॉश प्रोग्राम्स को यूज करते हैं। सैमसंग की इस वॉशिंग मशीन के अंदर आपको इको बबल टेक्नोलॉजी का फीचर भी मिलता है, यानी कि ये वॉशिंग मशीन वॉशिंग के दौरान ज्यादा सोप बबल्स को क्रिएट करती है जिससे कि डर्ट आपके कपड़ों के अंदर से इजिली रिमूव हो जाती है। इस वॉशिंग मशीन के अगर हम कुछ स्पेशल वॉशिंग प्रोग्राम्स के बारे में डिस्कस करें तो इसके अंदर आपको 15 मिनट क्विक वॉश प्रोग्राम देखने के लिए मिलता है। हाइजीन स्टीम वॉश का फीचर भी यहाँ पर आपको मिल जाता है जिसकी हेल्प से आप अपने कपड़ों को स्टीम वॉश दे सकते हैं। इस वॉशिंग मशीन के अंदर आपको डिले एंड का फीचर भी मिलता है, मतलब कि आप वॉशिंग मशीन के किसी भी वॉश प्रोग्राम की ड्यूरेशन को 24 आवर्स तक एक्सटेंड कर
सकते हैं। सैमसंग की ये वॉशिंग मशीन 72 लीटर्स वाटर कंज्यूम करती है पर वॉश साइकिल और इसके अंदर आपको स्मार्ट डायग्नोसिस का फीचर भी मिल जाता है। ये वॉशिंग मशीन LED पैनल और चाइल्ड लॉक फीचर के साथ में आती है। फिलहाल इस वॉशिंग मशीन के 8 kg मॉडल की प्राइसिंग 44,000 रुपीज के अप्रॉक्स की है और 7 kg मॉडल की प्राइसिंग 38,000 रुपीज के अप्रॉक्स की है। इस वॉशिंग मशीन पर सैमसंग आपको देता है 3 ईयर्स की प्रोडक्ट वारंटी और 10 ईयर्स की मोटर वारंटी। और अगर नॉइस लेवल्स की बात करी जाए तो इस वॉशिंग मशीन के अंदर आपको 56 डेसिबल्स के नॉइस लेवल्स मिलेंगे वाइल वॉशिंग और 70 डेसिबल्स के नॉइस लेवल्स मिलेंगे वाइल स्पिनिंग। ओवरऑल ये एक डिसेंट और सभी फीचर्स के साथ में आने वाली वॉशिंग मशीन है, लेकिन इसके अंदर दो छोटे से कौन से हैं। पहली बात की दूसरे वॉशिंग मशीन के कंपेरिजन में सैमसंग की जो प्राइसिंग है वो थोड़ी सी ज्यादा है, और सेकेंडली यहाँ पर आपको पॉज एंड रीलोड फंक्शन नहीं दिया गया है। लेकिन अगर आप सैमसंग के ब्रांड को पसंद करते हैं तो आप इसकी तरफ डेफिनेटली जा सकते हैं। नंबर 4th पर यहाँ पर आती है पैनासोनिक की तरफ से, पैनासोनिक की 8 kg 5-star रेटेड फ्रंट लोडिंग वॉशिंग मशीन। इस वॉशिंग मशीन के अंदर आपको 1400 RPM की मोटर मिलती है और इसके अंदर आपको स्टेनलेस स्टील ड्रम के साथ साथ में 16 वॉश प्रोग्राम्स भी मिल जाते हैं। इस वॉशिंग मशीन के अंदर आपको इन्वर्टर मोटर टेक्नोलॉजी मिलती है और ये वॉशिंग मशीन बिल्ड इन हीटर के साथ में आती है। पैनासोनिक की इस वॉशिंग मशीन के अंदर आपको पॉज एंड ऐड का फीचर भी मिलता है, यानी कि वॉश प्रोग्राम को स्टार्ट करने के बाद भी आप इसके अंदर कपड़ों को ऐड कर पाएंगे। इस वॉशिंग मशीन के अंदर आपको एक्टिव फोम सिस्टम का फीचर भी मिलता है। एक्टिव फोम सिस्टम मतलब कि ये वॉशिंग मशीन वॉश प्रोग्राम शुरू होने से पहले ही फोम को क्रिएट करना शुरू कर देती है, जिसकी वजह से आपके जो कपड़े हैं वो इजिली क्लीन हो पाते हैं। ये वॉशिंग मशीन वाईफाई मिराए कनेक्टिविटी के साथ में भी आती है, यानी कि आप इसको अलेक्सा और गूगल असिस्टेंट की सपोर्ट के थ्रू भी कंट्रोल कर पाएंगे। स्पेशल बात यह कि यहाँ पर आपको ऑटो डायग्नोसिस का फीचर मिल जाता है और साथ ही साथ इस वॉशिंग मशीन के अंदर जेंटल हैंड वॉश प्रोग्राम भी प्रेजेंट है। इस जेंटल हैंड वॉश प्रोग्राम की हेल्प से आप अपने कपड़ों को बहुत ही जेंटली क्लीन कर पाएंगे, जिस वजह से आपके जो जेंटल क्लीनिंग करने वाले कपड़े हैं उनकी क्वालिटी पर कोई इफेक्ट नहीं आएगा। पैनासोनिक की ये वॉशिंग मशीन 70 लीटर्स वाटर कंज्यूम करती है पर वॉश साइकिल और फिलहाल अगर इसके प्राइस के बारे में बात करी जाए तो वो ऑलमोस्ट 40,000 रुपीस के अप्रॉक्स है। और पैनासोनिक यहाँ पर आपको देता है 2 ईयर्स की प्रोडक्ट वारंटी और 10 ईयर्स की मोटर वारंटी। और इस वॉशिंग मशीन के अंदर आपको मिलेंगे 59 डेसिबल्स के नॉइस लेवल्स वाइल वॉशिंग और 74 डेसिबल्स के नॉइस लेवल्स वाइल स्पिनिंग। इस वॉशिंग मशीन की क्वालिटी बहुत अच्छी है और इसके अंदर आपको ऑलमोस्ट सभी स्मार्ट फीचर्स देखने के लिए मिल जाते हैं, लेकिन सिर्फ एक छोटा सा कौन पैनासोनिक की वॉशिंग मशीन के अंदर ये है कि इनकी जो सर्विसिंग है वो कुछ एरियाज के अंदर अच्छी नहीं है। अगर आपके एरिया के अंदर पैनासोनिक की वॉशिंग मशीन की सर्विसिंग अच्छी है तो आप इसको ज़रूर कंसिडर कर सकते हैं, अदरवाइज आप हमारी नंबर 3rd वॉशिंग मशीन की तरफ जा सकते हैं जो कि यहाँ पर आती है IFB की तरफ से, IFB की 8 kg 5-star रेटेड फुली ऑटोमेटिक फ्रंट लोडिंग वॉशिंग मशीन। IFB की ये वॉशिंग मशीन 1400 RPM की मोटर के साथ में आती है और इसके अंदर आपको टोटल 14 वॉश प्रोग्राम्स देखने के लिए मिल जाते हैं। इस वॉशिंग मशीन के अंदर आपको स्टेनलेस स्टील ड्रम मिलता है जो कि क्रेसेंट मून पैटर्न्स के साथ में आता है। क्रेसेंट मून पैटर्न्स की हेल्प से वॉशिंग मशीन के अंदर फ्रिक्शन क्रिएट होता है और आपके जो कपड़े हैं वो और एफिशिएंटली धुल पाते हैं। इस वॉशिंग मशीन के अंदर आपको 4D वॉश सिस्टम देखने के लिए मिलता है और इस वॉशिंग मशीन की सबसे स्पेशल बात यह है कि यहाँ पर आपको ऑटो इम्बैलेंस वाइब्रेशन कंट्रोल का फीचर भी मिल जाता है। इस फीचर की हेल्प से आपके कपड़ों के अंदर स्पिनिंग के दौरान कोई भी इम्बैलेंस क्रिएट नहीं होगा, यानी कि वो किसी भी एक जगह पर इकट्ठे नहीं होंगे, वो इवनली डिस्ट्रीब्यूट होंगे, जिसकी हेल्प से आपके जो कपड़े हैं वो और ज्यादा अच्छे से ड्राई हो पाएंगे। IFB की इस वॉशिंग मशीन के अंदर आपको एक्वा एनर्जी का फीचर भी मिलता है, यानी कि पानी के साथ जो डिटर्जेंट है वो अच्छे से मिक्स हो पाएगा और कपड़ों की वॉश क्वालिटी और ज्यादा बेटर हो पाएगी। इस वॉशिंग मशीन के अंदर आपको पावर स्टीम वॉश का फीचर भी मिलता है, मतलब कि आप अपने कपड़ों को इजीली स्टीम वॉश भी दे सकते हैं। इस वॉशिंग मशीन के अंदर आपको हाई और लो वोल्टेज फ्लक्चुएशन प्रोटेक्शन भी मिलता है, मतलब कि किसी भी तरीके की वोल्टेज फ्लक्चुएशन के दौरान वॉशिंग मशीन में कोई भी प्रॉब्लम नहीं आने वाली है। IFB की ये वॉशिंग मशीन फोम डिटेक्शन फीचर के साथ में भी आती है, मतलब कि अगर वॉशिंग मशीन में वॉशिंग के दौरान ज्यादा फोम क्रिएट होता है तो ये वॉशिंग मशीन फोम को ऑटोमेटिकली कम कर देती है, जो कि इस वॉशिंग मशीन का एक यूनिक फीचर है। IFB की इस वॉशिंग मशीन के अंदर भी आपको लॉन्ड्री ऐड का फीचर मिलता है, यानी कि आप इसके अंदर वॉश साइकिल के दौरान भी अपने कपड़ों को ऐड कर पाएंगे। ये वॉशिंग मशीन डिले स्टार्ट सेल्फ डायग्नोसिस सिस्टम और LED डिस्प्ले के साथ में आती है और फिलहाल अगर इसके प्राइस के बारे में बात करी जाए तो वो ऑलमोस्ट 37,000 रुपीज के अप्रॉक्स है। और IFB की तरफ से यहाँ पर आपको मिलती है 4 ईयर्स की प्रोडक्ट वारंटी, 10 ईयर्स की मोटर वारंटी और 10 ईयर्स की स्पेयर पार्ट सपोर्ट, यानी कि आने वाले 10 ईयर्स के लिए आपको किसी भी स्पेयर पार्ट के अंदर कोई दिक्कत आती है तो उस स्पेयर पार्ट के लिए IFB आपको खुद अवेलेबल कराएगा और आप उसको परचेज करके अपनी वॉशिंग मशीन को इजिली रिपेयर करा पाएंगे। IFB की इस वॉशिंग मशीन
जिनके अंदर आपको मिलते हैं सिर्फ 56 डेसिबल्स के नॉइस लेवल्स वाइल वॉशिंग और 70 डेसिबल्स के नॉइस लेवल्स वाइल स्पिनिंग। और ये वॉशिंग मशीन कंज्यूम करती है 71 लीटर्स ऑफ वाटर पर वॉश प्रोग्राम। इस वॉशिंग मशीन के अंदर कोई भी हाईली मेजर कॉन्स नहीं है, लेकिन सिर्फ एक छोटा सा कॉन ये है कि IFB की जो इंस्टॉलेशन सर्विसिंग है वो थोड़ा सा टाइम लेती है। यानी कि वॉशिंग मशीन को परचेज करने के बाद IFB की इंस्टॉलेशन टीम को आपके पास विजिट करने में 3 से 4 दिन लग सकते हैं, लेकिन मुझे नहीं लगता कि ये बहुत बड़ा मेजर कॉन है। और अगर आप अपने लिए एक लॉन्ग टर्म परचेज करना चाहते हैं तो आप इसकी तरफ जरूर जा सकते हैं। लिस्ट के अंदर नंबर 2 वॉशिंग मशीन यहाँ पर आती है LG की तरफ से, LG का 8 kg 5-star फ्रंट लोडिंग फुली ऑटोमेटिक मॉडल। LG की ये वॉशिंग मशीन 1400 RPM की मोटर के साथ में आती है। और स्पेशल बात यह है कि इसके अंदर आपको इन्वर्टर डायरेक्ट ड्राइव मोटर देखने के लिए मिल जाती है। इस वॉशिंग मशीन के अंदर आपको 14 वॉश प्रोग्राम्स देखने के लिए मिल जाते हैं। और LG का कहना है कि अगर आप उनके थैंक यू ऐप को इंस्टॉल करते हैं और इस वॉशिंग मशीन को उस ऐप के थ्रू यूज करते हैं तो आप 20 वॉश प्रोग्राम्स को और डाउनलोड कर पाएंगे। आई थिंक इतने सारे वॉश प्रोग्राम्स यूजलेस होते हैं, क्योंकि हम ज्यादा से ज्यादा 3 से 4 वॉश प्रोग्राम्स को ही यूज कर पाते हैं। इस वॉशिंग मशीन के अंदर आपको 6 मोशन डायरेक्ट ड्राइव टेक्नोलॉजी देखने के लिए मिलती है। 6 मोशन डायरेक्ट ड्राइव यानी कि वॉशिंग मशीन का जो ड्रम है वो 6 अलग अलग डायरेक्शन में घूमेगा और आपके कपड़ों की क्लीनिंग थोड़ी और बेटर हो पाएगी। लेकिन ये फीचर ऑलमोस्ट सभी वॉशिंग मशीन के अंदर होता है, लेकिन इस वॉशिंग मशीन की स्पेशल बात यह है कि यहाँ पर आपको AI डायरेक्ट ड्राइव टेक्नोलॉजी का फीचर भी मिलता है। यानी कि आपके कपड़ों की क्वालिटी कैसी है और साथ ही साथ उन कपड़ों के लिए कौन सा वॉश प्रोग्राम बेस्ट रहेगा, ये आपको AI डायरेक्ट ड्राइव टेक्नोलॉजी के थ्रू बताया जाएगा। इस वॉशिंग मशीन के अंदर आपको स्टेनलेस स्टील ड्रम मिलता है और साथ ही साथ यहाँ पर आपको डीले स्टार्ट का फंक्शन भी दिया गया है। मतलब कि आप अपनी वॉशिंग मशीन के अंदर कपड़ों को डाल सकते हैं और आप उसके अंदर एक पर्टिकुलर टाइम को सेट करके उसको कुछ टाइम के बाद भी शुरू कर सकते हैं। LG की ये वॉशिंग मशीन लॉन्ड्री एड ऑप्शन के साथ में भी आती है और इसके अंदर आपको हाइजीन स्टीम वॉश का फंक्शन भी दिया गया है। ये वॉशिंग मशीन कंज्यूम करती है 64 लीटर्स ऑफ वाटर पर वॉश साइकिल और इसके अंदर आपको LED डिस्प्ले और स्मार्ट डायग्नोसिस जैसे फीचर्स भी दिए गए हैं। इस वॉशिंग मशीन के अगर हम नॉइस लेवल्स के बारे में बात करें तो इसके अंदर आपको 54 डेसिबल्स के नॉइस लेवल्स मिलेंगे वाइल स्पिनिंग और 74 डेसिबल्स के नॉइस लेवल्स मिलेंगे वाइल वॉशिंग। और अगर इसके प्राइस के बारे में बात करी जाए तो आप इसको 38,000 से 39,000 रुपीज के अप्रॉक्स इजिली परचेस कर पाएंगे। और LG यहाँ पर आपको देता है 2 ईयर्स की प्रोडक्ट वारंटी और 10 ईयर्स की मोटर वारंटी। इस वॉशिंग मशीन के अंदर ऑलमोस्ट सभी यूजफुल फीचर्स अवेलेबल हैं, लेकिन एक कॉन इस वॉशिंग मशीन के अंदर है वो ये है कि इसकी जो बिल्ड क्वालिटी है उसके ऊपर यहाँ पर थोड़ा सा कॉम्प्रोमाइज किया गया है, क्योंकि इस वॉशिंग मशीन का जो वेट है वो सिर्फ 60 kgs का है। अगर हम इस वॉशिंग मशीन के वेट को दूसरे वॉशिंग मशीन से कंपेयर करें तो वो ऑलमोस्ट 10 kg कम है। लेकिन अगर बिल्ड क्वालिटी आपके लिए ज्यादा मैटर नहीं करती है और आप LG के ब्रांड को पसंद करते हैं तो आप डेफिनेटली इसको चूज कर सकते हैं। अदरवाइज आप लिस्ट के अंदर आने वाली नंबर 1 वॉशिंग मशीन को चूज कर सकते हैं, जो कि यहाँ पर आती है बॉश की तरफ से, बॉश का 8 kg 5-star रेटेड मॉडल। बॉश की ये वॉशिंग मशीन 1400 RPM के मोटर के साथ में आती है और इसके अंदर आपको टोटल 15 वॉश प्रोग्राम्स देखने के लिए मिल जाते हैं। इस वॉशिंग मशीन के अंदर आपको स्टेनलेस स्टील वेरियो ड्रम देखने के लिए मिलता है और इस टाइप के जो ड्रम्स होते हैं वो आपके कपड़ों के ऊपर काफी ज्यादा जेंटल होते हैं। मतलब कि आपके जो कपड़े हैं वो ड्रम के अंदर जाने के बाद किसी भी तरीके से टेंगल नहीं होने वाले हैं। इस वॉशिंग मशीन के अंदर आपको वेरियो इन्वर्टर मोटर मिलती है जो कि इको साइलेंस ड्राइव के साथ में आती है। इस वॉशिंग मशीन के अंदर स्पेशल बात यह है कि यहाँ पर आपको 256 लोड सेंसिंग लेवल्स दिए गए हैं। मतलब कि आपके कपड़ों के अकॉर्डिंग वॉशिंग मशीन के अंदर कितना वाटर यूज होगा और कितना वाटर बचाया जाएगा, उन सभी चीजों को ये 256 सेंसिंग लेवल्स ऑप्टिमाइज करते हैं और इस फीचर का नाम दिया गया है एक्टिव वाटर प्लस। इस वॉशिंग मशीन के अंदर आपको काफी इजी ऑपरेशनल पैनल मिलता है और वो LED डिस्प्ले के साथ में आता है। स्पेशल बात यह है कि यहाँ पर आपको एंटी वाइब्रेशनल साइड पैनल्स मिल जाते हैं, जिसकी वजह से वॉशिंग मशीन के जो नॉइस लेवल्स हैं वो थोड़े से रिड्यूस होते हैं। ये वॉशिंग मशीन पॉज एंड रीलोड फंक्शन के साथ में भी आती है, यानी कि आप वॉश साइकिल के दौरान भी इसके अंदर कपड़ों को ऐड कर पाएंगे। ये वॉशिंग मशीन फोम कंट्रोल फीचर के साथ में भी आती है, मतलब कि वॉशिंग के दौरान जो भी एक्स्ट्रा फोम क्रिएट होता है उस फोम को ये वॉशिंग मशीन ऑटोमेटिकली कम करती है और आपके कपड़ों की जो क्लीनिंग है वो और ज्यादा बेटर और एफिशिएंट हो पाती है। और ये वॉशिंग मशीन कंज्यूम करती है 68 लीटर्स ऑफ वाटर पर वॉश साइकिल। और इसके अंदर स्पेशल बात ये है कि आप इसकी स्पिनिंग स्पीड को भी कंट्रोल कर पाएंगे, यानी कि आप इसको कम RPM पर भी यूज कर सकते हैं। इसका बेनिफिट आपको ये मिलेगा कि ये कम इलेक्ट्रिसिटी कंजम्पशन में भी आपको बेस्ट आउटपुट देगी। फिलहाल अगर इस वॉशिंग मशीन के प्राइस के बारे में बात करी जाए तो वो ऑलमोस्ट 39,000 रुपीज के अप्रॉक्स का है। और स्पेशल बात यह है कि यहाँ पर आपको बॉश की तरफ से 2 ईयर्स की प्रोडक्ट वारंटी मिलती है और
12 ईयर्स की मोटर वारंटी मिलती है। और अगर हम इसके नॉइस लेवल्स के बारे में बात करें तो इसके अंदर आपको सिर्फ मिलते हैं 53 डेसिबल्स के नॉइस लेवल्स वाइल वॉशिंग और 73 डेसिबल्स के नॉइस लेवल्स वाइल स्पिनिंग। ये वॉशिंग मशीन बहुत ही ज्यादा डिसेंट बिल्ड क्वालिटी के साथ में आती है और इसके अंदर ऑलमोस्ट सभी रिक्वायर्ड वॉशिंग फीचर्स अवेलेबल हैं। और अगर यहाँ पर कॉन्स की बात करी जाए तो इस वॉशिंग मशीन के अंदर मुझे कोई भी हाईली मेजर कॉन्स देखने के लिए नहीं मिले हैं। इस वॉशिंग मशीन को आप जरूर कंसिडर कर सकते हैं, सभी लिंक्स आपको डिस्क्रिप्शन के अंदर दिए गए हैं। और अगर आपकी जो रिक्वायरमेंट है वो डिफरेंट कैपेसिटीज की है तो उनके भी लिंक्स आपको डिस्क्रिप्शन के अंदर दिए गए हैं। इस वीडियो से रिलेटेड या फिर वॉशिंग मशीन से रिलेटेड अगर आपके कोई भी क्वेश्चन हैं तो वो आप नीचे कॉमेंट्स में जरूर पूछ सकते हैं।